हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेडिया एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान शिक्षा जगत समाचार हम लेकर के आ गए हैं। किस किस से संबंधित है, 1 दिसंबर 2019 से बड़ी अपडेट है। पटवारी रीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एएन और अन्य मुद्दों पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त की। आप यहाँ पर देख सकते हो रीट भर्ती, स्कूल व्याख्याता, DU 4000 गेस्ट टीचर की नियुक्तियों पर संकट, तो ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको भी किसी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रश्न में डाउट है तो 8400400400 के व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को क्लिक कीजिए और क्रॉप करके सेंड कर दीजिए। तुरंत ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और उसके साथ आपको ऐप के माध्यम से भी आप क्लास 6 से 12 तक लेकर आप GMains की तैयारी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी डाउनलोड कीजिए। तो इन जानकारियों को देख लेते हैं, क्या क्या जानकारी है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये देखें, यहाँ पर पटवारियों से संबंधित यहाँ पर बड़ी अपडेट है। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान की बड़ी अपडेट, जयपुर राजस्व मंडल ने से इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्व मंडल ने जारी की पटवारियों की अंतिम वरिष्ठा सूची, अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र के में पद स्थापित। तो कितने पद स्थापित है पटवारियों की सूची आप देख सकते हो, 8378 पटवारियों की सूची है। तो इतने पटवारी यहाँ पर लगे हुए हैं, और जो जितने पटवारी बचे हुए हैं आपके खाली पटवारियों की हैं जो जल्दी भरी जाएगी, 3735 या कुछ लगभग है 50, ठीक है। तो ये सारी आपको जानकारी यहाँ पर अपडेट हो सकती है। पद आप देख पा रहे होंगे 3700 कुछ हैं, तो 3700 भी आ सकती है, 3800 भी आ सकती है आपकी सीटें, तो ऐसा ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। चलिए अब और बड़ी खबर देखते हैं। यहाँ पर स्कूल व्याख्याता संबंधित, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा से जुड़ी मांगों के लिए छात्रों ने दिया धरना, जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर अभ्यर्थियों ने शनिवार को स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने मांगों उठाई है कि इस परीक्षा की प्रस्तावित तिथि को करीब 5 महीने आगे बढ़ाया जाए, ताकि सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने का समान अवसर मिल सके और समान कंपटीशन कर सके। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा है कि इस भर्ती में पदों को बढ़ाया जाए, अन्य राज्यों से आवेदन करने वाले छात्रों को कोटा 5% किया जाए। ये बहुत ही अच्छी बात है इन विद्यार्थियों की, जो भी बाहर के विद्यार्थी हैं उनको 5% ही किया जाना चाहिए, क्योंकि वो राज्यों में भी ऐसा देखने को मिलता है। उर्दू विषय के पदों भी शामिल किए जाए, ये यहाँ पर बड़ी बात है इनकी भी। और उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर और बड़ी खबर है, नियुक्ति पर कुलपति से मांगा स्पष्टीकरण। तो नियुक्ति पर कुलपति से स्पष्टीकरण मांगा है, DU 4000 गेस्ट टीचर की नियुक्ति पर संकट गहराया। भास्कर न्यूज नई दिल्ली से बड़ी खबर। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं प्रेस विज्ञप्ति किसकी जारी की है, तो ये की है दोस्तों आपके RPSC की जो AN की वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर ये जारी किया गया है। आप उनकी एग्जाम है 3 दिसंबर 2019 से 5 दिसंबर 2019 तक आयोजित की जाएगी। सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर ये किन्होंने जारी किया है, रेणु गुजयपाल सचिव है जो उन्होंने जारी किया है, ऑफिशियल वेबसाइट में भी जारी हो चुका है ये। उसके बाद यहाँ पर रीट भर्ती से संबंधित बड़ी खबर है, 3 से 4 महीने में कराएंगे रीट। शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह टोडासरा है आपके, उन्होंने कहा है साफ साफ। तो चलिए देखते हैं क्या बड़ी खबर है उनकी तरफ से। सीकर से बड़ी खबर, सीकर राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान SIERT और समग्र शिक्षा अभियान की ओर से सीकर में शनिवार को नवजीवन स्कूल में विज्ञान मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह टोडासरा ने किया। उद्घाटन समारोह में मंत्री टोडासरा ने प्रदेश के बेरोजगारों के लिए कई महत्वपूर्ण भर्तियों के संकेत भी दिए। मंत्री ने कहा कि रीट भर्ती परीक्षा 3 से 4 महीने में कराई जाएगी, भर्ती कितने पदों पर होगी इस पर कार्य किया जा रहा है, सेकेंड ग्रेड की ज्वाइनिंग भी 1 महीने में कराएंगे और प्रबोधक शिक्षकों के प्रमोशन भी कराएंगे जाएंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही दिल्ली बेंगलोर सहित 3 संस्थाओं के साथ स्कूलों में लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब सहित कई कार्यों के लिए 3 MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। बाल वैज्ञानिक के बनाए मॉडल को देखकर गोविंद सिंह टोडासरा जो कि आपके मंत्री है, समग्र शिक्षा निदेशक अभिषेक बागोरिया, चूरू मंडल के संयुक्त निदेशक व सीकर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी CDO सुरेंद्र सिंह गौड़, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुकेश कुमार मेहता सहित अन्य अधिकारियों ने सराहना की। इस अवसर पर SIERT का 25 सदस्यों का निर्णायक मंडल भी मौजूद रहा। तो ये सारी बड़ी खबर है, इन्होंने सबके सामने ये बात रखी, 3 MOU पर साइन हुए और उन्होंने कहा कि रीट की जो शिक्षा भर्ती है वह कब तक करा देंगे, 3 से 4 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इसको कंप्लीट करा देंगे वह।
तो जो विद्यार्थी तैयारी करें अभी से तैयारी करें, नहीं तो आपको अभी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा एग्जाम डेटा के किसका ये किसका ये, तो ऐसा ना करना पड़े इसीलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हो सेल्फ स्टडी कीजिए, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हो यूट्यूब से पढ़िए, जो कोचिंग कर रहे हो कोचिंग करिए, पर ध्यान से पढ़िए क्योंकि वैसा वेस्ट नहीं करो, क्योंकि जो मम्मी पापा है वो आपके लिए बहुत ही मेहनत से पैसे कमाते हैं उसके बाद आपको पैसे देते हैं, तो इसीलिए तैयारी आज से इतनी शानदार करो ताकि जो आने वाली जो जितने भी परीक्षाएं उन सब में आपका हो पाए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी हर आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि डेली आपको शिक्षा जगत समाचार यहां पर मिलने वाला है इसी वक्त इसी समय तक। धन्यवाद।